हाय फ्रेंड्स, मैं आम सूर्या है और आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्रेजीज। आज मैं बात करूंगा चाइना में इंपोर्टेड मूवीज के बारे में। इस साल चाइना की जो टॉप फोर इंपोर्टेड मूवीज की कमाई है उसके बारे में बात करूंगा। उसमें से एक मूवी का नाम आता है दंगल, यानी कि इंडियन मूवी जो चाइना में रिलीज हुई और तहलका मचा दिया वहाँ पे। जो टॉप फोर हाईएस्ट रनिंग मूवी है चाइना में इंपोर्टेड मूवीज, चाहे वो हॉलीवुड की हो या कहीं और की, उसके कलेक्शंस में बताऊंगा। तो शुरुआत करते हैं नीचे से ऊपर। तो चौथे नंबर पे जो मूवी है वो है XXX द रिटर्न ऑफ द जेंडर केज। ये मूवी इसी साल रिलीज हुई थी और इसने 164 मिलियन डॉलर की कमाई की, यूएस डॉलर की कमाई की, यानी कि 1056 करोड़। अब जो तीसरे नंबर पर फिल्म आती है चाइना में वो आती है कॉन्गस्कल आइलैंड। कॉन्गस्कल आइलैंड भी रिलीज हुई थी इसी साल और इसने जो कलेक्शंस किया है 168 मिलियन डॉलर का किया है, यूएस मिलियन डॉलर का। और उसका टोटल अगर हम देखें करोड़ में तो वो है 1082 करोड़। अब तीसरे पोजीशन पे आती है दंगल मूवी, सॉरी दूसरे पोजीशन पे आती है दंगल मूवी जो इंडिया की मूवी है। इसने 31 दिनों में ही कलेक्शंस के रिकॉर्ड ब्रेक कर दिए, यानी कि XXX रिटर्न ऑफ द जेंडर केज और कॉन्गस्कल आइलैंड को बीट करते हुए इसने कलेक्शंस जो किया है वो किया है 169 मिलियन डॉलर, यानी कि 1089 करोड़, यानी कि कॉन्गस्कल आइलैंड से 7 करोड़ ज़्यादा सा कलेक्शन हो चुका है। अब नंबर वन पोजीशन पे कौन सी फिल्म है चाइना में रिकॉर्ड कलेक्शन के हिसाब से जो इंपोर्ट की गई है उसके बारे में बात करता हूँ, वो है फास्ट एंड द फ्यूरियस 8। जी हाँ, विन डीजल ड्वेनी जॉनसन स्टार फिल्म फास्ट एंड द फ्यूरियस 8 ने जो कलेक्शन किया है वो आप सोच भी नहीं सकते कि इसका कलेक्शन है 392 करोड़। जी हाँ, 392 करोड़, बाकी 392 करोड़ नहीं, 392 मिलियन यूएस डॉलर। यानी कि जो दूसरे नंबर पे है दंगल उसका है 169 मिलियन डॉलर और फास्ट एंड फ्यूरियस का 392 मिलियन डॉलर। तो आप समझ सकते हो दोगुने से ज़्यादा की कमाई की है फास्ट एंड फ्यूरियस ने चाइना में। और उसको अगर करोड़ में देखा जाए, 392 मिलियन डॉलर कितना होता है करोड़ में, तो वो होता है 2525 करोड़, 2525 करोड़। तो ये कुछ कमाल है चाइना में हॉलीवुड फिल्मों का। और एक चीज़ मैंने नोटिस की, हॉलीवुड फिल्मों की बहुत ज़्यादा वो टारगेट करती है चाइनीज मार्केट को, क्योंकि करीबन करीबन 70-80% कलेक्शन उनकी जो बजट का रहता है फिल्म बनाने का वो ऑलरेडी 70-80% निकल जाता है चाइना से, इसीलिए वो ज़्यादा टारगेट करते हैं चाइना में। और इसी तरह अगर बॉलीवुड फिल्में भी अगर चाइना में चलने लगी तो उनका पूरा का पूरा बजट ही आराम से निकल जाएगा मुझे लगता है। आपको क्या लगता है इस बारे में? और दंगल दूसरे नंबर पर है, पहले नंबर पर फास्ट एंड द फ्यूरियस है, तीसरे नंबर पर कॉन्गस्कल है, चौथे नंबर पर XXX रिटर्न जेंडर केज है। तो आपको क्या लगता है कौन सी ये फिल्म में, मतलब पांचवें नंबर पे कौन सी फिल्म होगी, या इन सब फिल्मों को कौन सी फिल्म ने फिल्म बीट करेगी चाइना में? क्या हिंदी कोई फिल्म होगी जो बीट करेगी? क्या बाहुबली 2 बीट कर सकती है या ट्यूबलाइट बीट कर सकती है? आप जरूर बता सकते हो। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि इस तरह की वीडियोस आपको आगे भी देखने को मिले। फिलहाल इतना ही, बाय बाय।